सब गाइस कैसे हो, हमें नमस्ते, जय जवाहर, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन आफ्टर सो मच टाइम। और अभी अभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो उनको बता दूं, मेरा नाम कृतिश कुमार है और मैं राइडर हूँ, ब्लॉगर हूँ और सेल्फ एम्प्लॉई हूँ। एनीवेज तो कल जा रहे हैं राइड पे, आज रात हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं और सामान ऑल इंडिया राइड के टाइम जो बैग यूज़ किया था अभी तक है वही वाला है, धूला नहीं है, गंदा है और ये सब सामान बिखरा हुआ है, इसको मैं अभी समेटने वाला हूँ। गोप्रो में देखो, अभी गोप्रो में वाटर प्रूफिंग बना रहे हैं इसको ताकि बारिश अगर हो गई बाई चांस तो व्लॉगिंग नहीं रुकना चाहिए। तो ये गोप्रो सेटिंग कर दिया हूँ और कूलर इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है रूम में। हैंड पैक करते हैं और सुबह मिलते हैं। टाइम इज़ 5:43 AM, 5 बजे का टाइम था लेकिन कोई नहीं, अपन अपने टाइम से निकलते हैं। मस्त रोड खाली है, भाई लोग आ गए होंगे शायद आगे मरीन ड्राइव पे, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं अभी। वहाँ से हम लोग जाएंगे आगे कहीं राइड करने के लिए, कितने लोग आते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। और सबको मास्क वगैरह पहन के आने बोला हूँ, तो मज़ा आ गया, मॉर्निंग राइड आज सुबह सुबह, लेट्स गो। गोप्रो का जो बैटरी था वो ख़राब हो गया था कल, मतलब परचेस किया, और ड्रोन का भी बैटरी परचेस किया कल, तो बहुत खर्चा हो गया इस महीने जून में। हर साल जून में मेरा खर्चा ही होता है, पता नहीं क्यों। पिछले साल गाड़ी बनवाया था लद्दाख जाना करके, गाड़ी में प्रॉब्लम था, इस बार भी गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद आज ये निकाला हूँ गाड़ी को एज यूजुअल। लेट लतीफ, वो कहाँ गया, चकमा दे दिया क्या? सौरभ, सौरभ बोला पेट दर्द कर रहा है। और कैसे हो भैया? बढ़िया। अरे मैं तो ग्लव्स पहना हूँ, वही चंद्रकांत है। अच्छा, लीजिए ग्लव्स। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं स्टेटस भी डाल दिया हूँ देखो, और यहाँ पहुँच गए करके। वैसे कोई आने वाला नहीं है, जो आने वाले थे आ गए। और हीरो, जय जोहार। वाहिद, अच्छा तुम ही मैसेज किए थे ना, ठीक। कहाँ पे खड़े थे? हाँ हाँ हाँ, तो ये दीपेश भाई लोग आए थे, इन लोग बाइसिकल राइड कर रहे हैं आज, मृत्युंजय। और आपका नाम भाई? हृदय। हृदय भाई आए हैं, तो इन लोग आज बाइसिकल राइड कर रहे हैं, तो हम लोग आज ये वाली राइड करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय। आज एक और भाई आया, वाहिद भाई नाम है, सब्सक्राइबर है। वैसे मैं नए लोगों के साथ बहुत रेयरली राइड करता हूँ, लेकिन वो गाड़ी लाया है तो चलो धीरे धीरे चलते हैं, पीछे पीछे आएगा फॉलो करते हुए हम लोगों को। मेरे को बाइसिकल राइड करना है यार, मैं साइकिल वालों को देखता हूँ ना तो अच्छा लगता है, मेरे पास भी साइकिल है। वैसे मैं राइड कर रहा हूँ, रोज़ शाम को जाता हूँ, मॉर्निंग में पर्सन तो हूँ मैं, जल्दी उठ नहीं पाता तो शाम शाम को जाता हूँ। और ऐसे लोग ना, ऐसे लोग के कारण अच्छे खासे प्रोफेशनल जो बाइकर हैं, हम लोग राइड करते हैं, राइडर्स हैं, उन लोग का चलान कटता है, क्योंकि देखो ना निम्बल लोग हैं, इन लोग ना हेलमेट पहने हैं और लाउड साइलेंसर में गाड़ी चला रहे हैं। अभी लोग तो चले जाएंगे नया रायपुर स्टंट करते हुए, और हम लोग को चलान कटेंगे क्योंकि पुलिस वाला हम लोग के पीछे पड़ेगा, हम लोग पूरा गियर में रहते हैं तो भी। तो ये स्थिति है भाई, ऐसे निब्बल लोग के कारण होता है। तो यहाँ पे कुछ सुपर बाइक वाले भी हैं, हार्ले डेविडसन वाले, और कुछ लोग और आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिए थे छोटा सा ब्रेक, सुसु ब्रेक बोल सकते हो, और भाई लोगों को पानी वगैरह भी पीना था, और थोड़ा लाइनअप भी करना था, इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना था क्योंकि स्लो जा रहे थे भाई लोग, ये दोनों जो नए बंदे आए हैं, वाहिद एंड मोहम्मद अली। मौसम बड़ा सुहाना है, राइड का मज़ा लेने के लिए जाना है, अपनी बेबी टाइगर भी नई नवेली बन चुकी है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे लाइनअप हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पे कोडार डैम के पास आ चुके हैं, नाश्ता भी ऑर्डर कर दिया। अरे वाह, जलेबी टूट पड़ो। ये देखो हमारा नाश्ता। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, यहाँ पे होटल है ना, वहाँ पे मतलब अंदर नहीं खाना है, बाहर ही खाना है, खड़े होके खाएंगे। तो चलो भाई लोग आ जाओ, टूट पड़ो। इतने दिन बाद आए बोल रहे हैं,
तो भाई लॉकडाउन में कैसे करते और भैया कैसे हो? हेलो क्या क्या नाम है बताओ? आपका नाम भाविश है और आपका किंचन और आपका किंजल सर। अच्छा बढ़िया क्लास वन में सर बढ़िया क्यूट नर्सरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल है बढ़िया चलो तभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं नए जगह में एक जगह है वहाँ पे ऑफ रोड करेंगे उधर तो बहुत बार जा चुके हैं नाग होकर नाग द्वार जय खल्लारी माता शेष नाग द्वार सेवा समिति। अरे वाह इधर तो अच्छा है यार जंगल जैसे मंदिर है इधर चले अब मजा आएगा ऑफ रोड का थोड़ा मजा मैं ABS ऑफ कर देता हूँ देखो कई लोग बोलते हैं ना कि ऑफ रोड में जो बाइक चलाता है वो टूरिंग भी कर सकता है ऐसा कुछ होता नहीं है टूरिंग और ऑफ रोड अलग चीज़ है भाई दोनों में अलग अलग किस्म की बाइक आती है और अलग अलग चीज़ है दोनों तो ये बात बोलो कि जो ऑफ रोड कर रहे हैं वो लॉन्ग राइड भी कर सकता है लॉन्ग राइड के लिए बहुत पेशेंस चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए और एकदम इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए अच्छी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए तब आप राइड कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नींद आता है अगर आप हाईवे में राइड करते हो तो इधर अच्छा जगह है यार ऑफ रोड के लिए ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है बट ठीक है उड़ी बाबा, उड़ी। इसके आगे तो नहीं जा पाएंगे बढ़िया है प्री वेडिंग शूट करने के लिए आते हैं यहीं तभी बोलो साला कौन सी जगह है करके यही सब है पत्थर वत्थर वाला इतनी खूबसूरत जगह मैं पहली बार देख रहा हूँ मतलब इतने बार आया हूँ इस रोड से कई बार गुजरा हूँ लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ ये देखो पूरा बांध है ये भाई साहब भैया जी प्राणायाम कर रहे हो क्या कर रहे हो बस शांति की प्राप्ति कर रहे हैं आइए भैया स्वागत है आपका गंदगी कर दिया सालों ने गुजारिये चंद लम्हे शांति में मस्त इधर चट्टान वगैरह पत्थर वगैरह है गाड़ी हम लोग की पार्क है वहाँ पे पानी ऑसम इसके बाद का शॉट देखिए तो यहाँ पे भैया स्टंट करते हुए हम लोग इस स्टंट को ऐसे जगह कर रहे हैं पब्लिक से दूर प्लीज़ डोंट ट्राई एट होम अपनी गाड़ी की सेफ्टी और अपनी गाड़ी की इज्जत रखो तो यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट कर लिए और मज़ा आ गया यहाँ पे बढ़िया मौसम भी था अभी इस पौने 9 हो चुके हैं गदर मचा दिए ओहो नाग द्वार से घुसे थे अब जो ये लॉयन है ना लॉयन के द्वार से निकलेंगे अब लॉयन द्वार आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर श्री जय बजरंग राजस्थानी हाईवे ढाबा होटल बोल सकते हो। भैया का रिकमेंडेशन है, राजस्थानी मतलब खाना मिलता है ना। ऑर्डर किया राजस्थान थाली, यहाँ मैं खाया नहीं है अभी तक। हाँ अभी राजस्थानी थाली ऑर्डर की है, देखो ये चाय और बिस्किट। रीजन बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से क्या है सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है और यहाँ पे अपन पार्सल लेके जा सकते हैं बट खा नहीं सकते बैठ के। तो अभी यहीं बैठ के खाने के लिए तो चाय और बिस्किट ही है। तो ये है सिस्टम भाई लोग सब। और भाई कैसे मजा आया आज? और ऐसे राइड करना है ना, अब थोड़ा बारिश बढ़ेगा तो करेंगे अच्छा वाला लंबा वाला। लेकिन सुनो, लेकिन सब लोग आने चाहिए ना, ऐसे नहीं 150 किलोमीटर से पहले रोकना मत। हाँ ठीक है। तो 55 किलोमीटर आया ना अभी, 55 अभी 70 किलोमीटर हुआ है। 70 हुआ है हाँ। कोई नहीं, करेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब 150 300 ऐसा। तो ये हमारा आज का टेबल है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेबल वेबल तो है नहीं। यहाँ पे रुक के नहीं खा सकते हैं कुछ भी अगर ऑर्डर करते हैं? नहीं, गाड़ी वगैरह में बैठ के खा सकते हैं। तो अपने पास पैनियर तो नहीं है तो फिलहाल उसी में रख के खा रहे हैं। दे बता, लार दे। बड़ा उठपुट आऊँगा यार, अभी तो बोलूँ कैसे एक एक ही चाय में खा रहे हैं। तो आज का वीडियो भी यहीं क्लोज करते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं। और वीडियो पसंद आया, ड्रोन शॉट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिपब्लिक राइडर्स को फॉलो कर लीजिए, यहाँ इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, मुझे भी फॉलो कर लीजिए कृतेश के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक भाई राइड सेफ, हेलमेट, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को भाई, 10,000 होने वाले हैं तो आपको प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, वीडियोस आएंगे, राइड की वीडियोस आएंगे क्योंकि अभी बारिश चालू होने वाला है, लॉकडाउन ओपन हो रहा है धीरे धीरे। ऑल दो होटल्स वगैरह नहीं खुले तो लॉन्ग राइड नहीं कर सकते बट शॉर्ट राइड्स ओपन कर रहे हैं तो बस्तर वस्तर का भी राइड का प्लान कर रहे हैं जाने का। तब तक राइड सेफ, ऑलवेज योर हेलमेट, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। और मैं अभी प्रेम भाई की गाड़ी चला रहा हूँ, पल्सर, एक नंबर। गाइस तो आप देखिए कुदरत की खूबसूरती, अभी आपने जो गुफा देखा वो तो कुछ नहीं था, अभी जो गुफा दिखाएंगे ना वो इससे ज्यादा खतरनाक है। जय माँ पाताल भैरवी गुफा।